हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे थे नेट का क्वेश्चन पेपर और कर रहे हैं 2014 का क्वेश्चन पेपर। ये जून का क्वेश्चन पेपर है और थर्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसकी दो वीडियो क्लास हो चुकी है, ये तीसरी वीडियो क्लास है। और ये इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय संगीत की आरंभिक अवस्था में मार्गी और देसी संगीत कहलाता था। ए साम और गंधर्व, बी गंधर्व और साम, सी साम और लोक, डी लौकिक और अलौकिक। इसका जो सही आंसर है वो है ए साम और गंधर्व, ठीक है। भारतीय संगीत की आरंभिक अवस्था में मार्गी और देसी संगीत साम और गंधर्व कहलाते हैं। साम गान क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। साम गान में स्वर को विशेष महत्व था। साम के आरंभ में ओम स्वर से करने की परंपरा थी, मतलब कि इसकी जो स्टार्टिंग की जाती थी वो ओम से की जाती थी, ठीक है। गंधर्व, गंधर्व क्या है ये जानते हैं। स्वर ताल पद से बंधी रचना को भरत ने गंधर्व कहा है। क्या? स्वर ताल और पद से बंधी रचना को भरत ने गंधर्व कहा है। देवताओं के परितोष, आत्मा के उत्थान तथा अदृश्य फलदायक संगीत गंधर्व कहा जाता था। इसमें 18 जातियां, 14 गीतक और 84 शुद्ध ताने गंधर्व के अंतर्गत थी। कितनी कितनी क्या क्या चीज है ये याद रखने योग्य है। 18 जाति ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 14 गीतक और 84 शुद्ध ताने गंधर्व के अंतर्गत थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के लेखक कौन है। ए मोहम्मद रजा, बी एस एम टैगोर, सी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर या डी श्री मान एलेन डेनलियू। सही आंसर है बी एस एम टैगोर, ठीक है, बी आंसर इसका सही होगा। यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के लेखक एम एस टैगोर हैं। संगीत बाल प्रकाश, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं। संगीत बाल प्रकाश के लेखक कौन है तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक श्रीमान एलेन डेनलियू से और नगमाते आसफी मोहम्मद रजा के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस वादक द्वारा राग रसिया बजाया गया है। ए पंडित रविशंकर, बी उस्ताद विलायत खां, सी पंडित निखिल बनर्जी या डी मुश्ताक अली खां। मैंने आप सबको कहा था कि मैं डेली दो वीडियोस में डालूंगा, लेकिन मैं दो वीडियो की जगह अब मैं एक ही वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें 15-15 प्रश्न मैं करवाता था, लेकिन एक ही वीडियो डाल रहा हूं उसमें ज्यादा मैं 25-30 क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो दो की जगह मैं एक ही डालूंगा, बस क्वेश्चन मैंने ज्यादा कर दिए हैं जिसे जल्दी से कवर हो जाए, मतलब कि दो क्लास में एक क्वेश्चन पेपर कवर हो जाता है। सही आंसर है इसका ए पंडित रविशंकर, ठीक है। पंडित रविशंकर ने राग रसिया की रचना की है। पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके गुरु अल्लाउद्दीन खां जी थे। कौन थे गुरु इनके, तो
अलाउद्दीन खां थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनके गुरु का नाम, तो अलाउद्दीन खां जी थे। इनके द्वारा निर्मित रागों में जागेश्वरी, ठीक है, कामेश्वरी, परमेश्वरी, रागेश्वरी, मतलब कि वरी वरी ये ज्यादा ही आ रहा है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तिलक श्याम, नट भैरव, वैरागी भैरव, जन सम्मोहनी, तो ये है भी है, ये सारे जो है राग इस, ये आपको याद रखने क्योंकि ये पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद पंडित जी को 1999 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न अलंकार मिला था, मतलब कि ये पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1999 में इनको भारत रत्न सम्मान मिला था। दो हजार एक में ब्रिटेन की ओर से इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई, कब दी गई, 2001 में, ये भी याद रखना, और 2002 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, गोडू ताई कुलडीकर, गोडू ताई कुलकर्णी किस घराने से संबंधित है, तो अतरौली, आगरा, जयपुर या ग्वालियर। सही आंसर है इसका सी, जयपुर। मैं टाइम थोड़ा कम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर आपको मैं बताऊंगा। गोडू ताई कुलकर्णी जयपुर घराने से संबंधित है। जयपुर घराना, इस घराने का आरंभ जयपुर के करामात अली तथा मुबारक अली लखनऊ वाले से माना जाता है। इस घराने के कलाकार भुर्जी खां, केसरबाई केरकर, मल्लिका अर्जुन मसूर, निर्वृति बुआ, सरना इक, मोगुबाई कुडीकर, किशोरी अमोनकर आदि प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, बंदे अली ग्वालियर वाले ये डैश घराने की स्थापना की थी, किराना, आगरा, जयपुर या लखनऊ। देखिए इसका सही आंसर है ए, किराना। ठीक है, बंदे अली ग्वालियर वाले ने किराना घराने की स्थापना की थी, किराना घराना। इस घराने का संबंध प्रसिद्ध बीनकार बंदे अली खां से जोड़ा गया है। इस घराने का नाम उस्ताद अब्दुल करीम खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अन्य कलाकार सवई गंधर्व, सुरेश बाबू, गंगूबाई हंगल, उस्ताद रजब अली, उस्ताद अमीर खां, रोशन आरा बेगम, हीराबाई बड़ोतकर, पंडित भीमसेन जोशी प्रमुख हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, राग गंगेश्वरी की रचना किसके द्वारा की गई है, अन्नपूर्णा जी के द्वारा या पंडित निखिल बनर्जी के द्वारा, पंडित रविशंकर के द्वारा, पंडित बलराम पाठक के द्वारा। इसका सही आंसर है सी, पंडित रविशंकर के द्वारा। राग गंगेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर जी के द्वारा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा राग हिंदुस्तानी और कर्नाटकी दोनों संगीत में प्रयुक्त होते हैं, कौन सा ऐसा राग है जो कर्नाटक और हिंदुस्तानी दोनों में ही होते हैं, यमन, विलावल, आभोगी या भोपाली। सही आंसर है इसका सी, आभोगी। ठीक है, ये दोनों में ही होता है। आभोगी राग हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों ही संगीत में प्रयुक्त होता है। आभोगी कान्हड़ा काफी ठाट का राग है। जाति औड़ो औड़ो है, वादी म है, संवादी सा है, और वर्जित स्वर कौन सा है, प नी, न्यास के स्वर म सा, गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। असंप्रकृतिक जो राग है इसका दुर्गा अश्वरंजनी है। संप्रकृतिक राग कौन सा है, दुर्गा अश्वरंजनी है। क्वेश्चन नंबर 58 है, रावण हत्या किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल या उत्तर प्रदेश।
सही आंसर है इसका ए राजस्थान। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, रावण हत्या के बारे में कौन से राज्य से संबंधित है, तो वो राजस्थान से संबंधित है। रावण हत्या वादी का संबंध राजस्थान से है। अब रावण हत्या के बारे में थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यह भारतीय वाद्य यंत्र है, यह एक प्राचीन मुड़ा हुआ वायलिन है, यह प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में प्रयोग होता है, मतलब कि प्रयोग में लाया जाता है। इसके प्रमुख रूप दो तार होते हैं, इसके प्रमुख रूप से दो तार होते हैं तथा इसको कमाईचा से बजाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। और ये राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। गुजरात आप ना भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन राजस्थान आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 59 है, हिंदुस्तानी संगीत की कौन सी विधा ने रविंद्र संगीत को सर्वाधिक प्रभावित किया है? ख्याल, तराना, ध्रुपद या टप्पा? ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है कि रविंद्र संगीत जो बना है उस उन्होंने कौन सी गायकी से सबसे ज्यादा वो प्रभावित हुए थे। इसका सही आंसर होगा सी ध्रुपद। हिंदुस्तानी संगीत की ध्रुपद विधा से रविंद्रनाथ जी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के द्वारा कितनी विकृत जातियों का वर्णन हुआ है? 7, 11, 9 या 10 विकृत जातियां पूछी गई हैं। ठीक है, कितनी विकृत जातियों का वर्णन किया गया है? सही आंसर है इसका बी 11। 18 जातियां होती हैं, 7 शुद्ध होते हैं, 11 विकृत होते हैं। ठीक है, तो भरत ने विकृत जातियों की संख्या 11 बताई है। वे जातियां इन शुद्ध जातियों पर आधारित विकृत जातियों के मिश्रण अथवा संसर्ग से बनती हैं और परस्पर मिश्रित प्रकृति की विकृत होकर 11 जातियां बनती हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जाति के लक्षण को इस प्रकार व्यक्त किया है, स्वरा ए विशिष्ट सनिवेश भाजो रिक्तिका दृश्य भेतुम च जनंती जाति रिक्तता रियुक्ता। संस्कृत है ये जो भी लिखा हुआ है यहां पे पूरी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, षड्श पंचम भाव के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर है? 19, 20, 13 या 21? षड्श पंचम भाव में कितनी श्रुतियों का अंतर है? ठीक है, सही आंसर है इसका सी 13। ठीक है, षड्श पंचम भाव में 13 श्रुतियों का अंतराल है। षड्श ग्राम में षड्श पंचम ऋषभ धैवत गंधार निषाद तथा षड्श मध्यम परस्पर संवादी है। संवादी स्वर वह होते हैं जिसमें 9 से 13 श्रुतियों का अंतर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 है, उद्गाता किस गान से संबंधित है? टप्पा, साम या ध्रुपद या धमार? मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो मैंने करवा रखे हैं 2018, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014 का, ये लास्ट है, उसके बाद 13 का करवाऊंगा। उद्गाता किस गान से संबंधित है? टप्पा, साम, ध्रुपद या धमार? इसका सही आंसर होगा बी साम। ठीक है, उद्गाता साम गान से संबंधित है। साम गान में स्वर का विशेष महत्व था। साम का आरंभ में ओम स्वर से करने की परंपरा है। साम गान के प्रमुख 5 वेद माने जाते हैं, हिंकार या हुंकार, प्रस्तार, उद्गीत, प्रतिहार, निधन। उद्गीत प्रस्ताव के बाद उद्गीत गीत का मुख्य भाग होता है।
क्वेश्चन नंबर 63 है, मसीत खानी गतका मुखड़ा किस मात्रा से आरंभ होता है, 9, 10, 11 या 12? सही आंसर इसका डी, 12। ठीक है, मसीद खानी गत का मुखड़ा 12वीं मात्रा से आरंभ होता है, ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद जरूर रखना है। मसीद खानी गत का मुखड़ा 12वीं मात्रा से आरंभ होता है। मसीद खानी गत, उस्ताद मसीद खान ने सितार वादन में एक नई शैली का विकास किया जिसे मसीद खानी शैली कहते हैं। ठीक है, किसने? उस्ताद मसीद खाने। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इस शैली की गत में मिजराव के निश्चित बोलों का प्रयोग किया जाता है। यह बोल इस प्रकार के होते हैं, दिर दा दिर, दारा दा दारा। ठीक है, जब दो दिर के बीच में एक दा आ जाता है, समझ लो मसीद खां है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, दो दिर के अंदर एक दा आ जाए तो समझ जाना मसीद खानी गत है। यह बोल 8 मात्रा के हैं तथा इन्हीं को 2 बार बजाकर 16 मात्राएं पूरी की जाती हैं। इन गतों का प्रारंभ 12वीं मात्रा से होता है तथा यह 3 ताल में होती हैं। यह गत विलंबित लय में बजाई जाती है। ठीक है, याद रखना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, तानरस खां प्रतिनिधि गायक थे, दिल्ली घराने से, लखनऊ घराने से, पटियाला घराने से, या दिल्ली था पटियाला दोनों घराने से? तानरस खां, आप मुझे कमेंट करके बताना कि तानरस खां कौन से काल में थे। ठीक है, काल लिखना और क्वेश्चन प्रॉपर लिखना। इसका सही आंसर होगा डी, दिल्ली और ग्वालियर घराने से, सॉरी दिल्ली और पटियाला घराने से। तानरस खां दिल्ली तथा पटियाला घराने के प्रतिनिधि गायक थे। दिल्ली घराना, यह घराना ख्याल गायकी का प्राचीन घराना रहा है। इस घराने का जन्म तथा विकास मुगल दरबार में हुआ। बहादुर शाह जफर के गुरु गुलाम हुसैन मियां अचपल इस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। पटियाला घराना वास्तव में दिल्ली घराने ही रहा, परंतु पंजाब की स्थानीय शैली से प्रभावित होने के कारण इसे पंजाब घराना कहने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, गजानन राव जोशी के गुरु का नाम है, ए गुडु बुआ बुक्का होना चाहिए या बुआ, चलो ठीक है, बी बालकृष्ण बुआ, सी वासुदेव शास्त्री या डी आशिक अली। इसका सही आंसर होगा बी, बालकृष्ण बुआ। ठीक है, सही आंसर है। देखिए क्या है, गजानन राव जोशी के गुरु बालकृष्ण बुआ हैं। गजानन बुआ जोशी का जन्म जनवरी 1911 से 1987 भी कहा जाता है, मतलब कि ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जन्म 1911 और मृत्यु 1987 ऐसे कहा जाता है। यह हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में एक गायक और वायलिनिस्ट थे। इनको 1972 में संगीत नाटक अकादमी मिला है, 1972 में, याद रखना, 1972 में संगीत नाटक अकादमी मिला है, और 1985 में मध्य सरकार
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान मिला है, ठीक है, इन्हें तानसेन सम्मान भी मिल चुका है 1985 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। पश्चात संगीत में ट्रेमेलो क्या है, कंपन, जमजमा, खटका या कण? ए, ये कंपन है, ठीक है। पश्चात संगीत में ट्रेमेलो क्या है, तो ये एक कंपन है। क्वेश्चन नंबर 67, पंडित जयदेव के गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, सर जॉन, सर एडविन अर्नाल्ड, ई क्लेमेंट, निकोलस? ये जो हिंदी में लिखा होता है ना, जब इंग्लिश का कोई ऐसा नाम आता है, इंग्लिश ही में लिखा होता है तो अच्छा होता है, वरना हिंदी में तो थोड़ा सा ज्यादा ही वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है, सर एडविन अर्नाल्ड, ठीक है। पंडित जयदेव ने गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद सर एडविन अर्नाल्ड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कर्नाटक संगीत का नाग स्वरम क्या पूछा गया है, कर्नाटक संगीत का नाग स्वरम उत्तर भारत के किस वाद्य से के साथ समकक्ष है, मतलब कि किस वाद्य के समकक्ष है, आसपास है, बांसुरी, सहनाई, हारमोनियम, सारंगी? इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है, सहनाई। सहनाई की तरह ये होता है नागस्वरम, थोड़ा इससे बड़ा होता है, सहनाई से थोड़ा बड़ा होता है। कर्नाटक संगीत का नागस्वरम उत्तर भारत के सहनाई वाद्य के समकक्ष है। सहनाई यह सुसीर वाद्य, सुसीर वर्ग के अंतर्गत आता है, सुसीर वर्ग का वाद्य है। 13वीं ईस्वी में संगीत रत्नाकर में इससे मिलते जुलते मधुकरी नामक वाद्य का सविस्तार विवेचन है। यह वाद्य 28 अंगुली लंबा होता है, ठीक है, 28 अंगुली बड़ा होता है, इतना लंबा होता है। इसमें 7 स्वर वाले छिद्र ऊपर होते हैं। नागस्वरम दक्षिण भारत का वाद्य है, यह आकार में सहनाई से दुगना लंबा रहता है। इस पर 12 छिद्र होते हैं, जिसमें से 5 छिद्र को रुई से बंद कर दिया जाता है और शेष 7 से स्वर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, प्रतिहार किस गीत का प्रकार है, ए ध्रुपद, सी बी ध्रुवागीत, सी साम गीत या डी ख्याल? प्रतिहार के बारे में यहां पे पूछा गया, प्रतिहार किस गीत के समान है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन पेपर सारे कंप्लीट कर दूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करवाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा आपको कम टाइम दे रहा हूं। अगर आपको ज्यादा जल्दी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, इसका सही आंसर होगा सी, साम गीत। प्रतिहार साम गीत के समान है। देखिए कैसे, प्रतिहार साम गीत के प्रकार है। साम गीत के 5 भेद है। क्या है साम गीत के, क्या है 5 भेद हैं, कौन कौन से? हिंकार या हुंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, यही है, ठीक है। किसके अंतर्गत है, किसका प्रकार है ये, तो साम गीत का प्रकार। साम गीत के कितने प्रकार है, तो 5 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है? हिंकार या हुंकार बोल सकते हैं, दूसरा प्रस्ताव, तीसरा उद्गीत, चौथा प्रतिहार और पांचवा निधन। ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, ठीक है। प्रतिहार उद्गीत के अंतिम पद से प्रतिहर्ता गान को पकड़ता है और प्रतिहार भाग में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 है, वायु पुराण के किन अध्यायों में संगीत विषयक सामग्री मिलती है? 86 और 87, बी 81 और 82, सी 80 और 81 और डी 70 और 71। ठीक है, सही आंसर है इसका ए। वायु पुराण के 86 और 87 अध्यायों में संगीत की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कौन से में? तो 86 और 87 ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, अल्लाह हजी राई बाई किस प्रदेश की गायिका रही? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल या महाराष्ट्र? सही आंसर है इसका बी, राजस्थान। अल्लाह हजी लाई बाई राजस्थान प्रदेश की गायिका रही। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 में हुआ और 3 नवंबर 1992, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। भारत के राजस्थान में लोक गायिका थी। इनके गुरु उस्ताद हुसैन बख्श और बाद में अच्छान महाराज से गायक सबक लिया। 1982 भारत सरकार ने पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया और 1988 में नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अल्लाह हजी लाई, याद रखना, राजस्थान से हैं ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, दक्षिण भारतीय संगीत का हिंदोलम राग उत्तर भारत के किस राग के समकक्ष है? भूपाली, मालकोस, दुर्गा या बसंत मुखारी? हिंदोलम होना चाहिए। हिंदोलम होना चाहिए, हिंदोलम सही है, हिंदोलम सही है। ठीक है, यहां बस म पे ऐसे पड़ता। ठीक है, ये तो ये जो है मालकोश के समान है। ठीक है, हिंदोलम किसके समान है? मालकोश के समकक्ष है, मतलब कि हिंदोलम कर्नाटक में कहा जाता है, ये उत्तरी में कहा जाता है। दक्षिण भारतीय संगीत का हिंदोलम राग उत्तर भारत के मालकोश के समकक्ष है। दक्षिण भारत में भूपाली को मोहनम कहा जाता है, ठीक है, और दुर्गा को शुद्ध सावेरी, बसंत मुखारी को वकुला भक्त कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग ठाट होते हैं, जैसे कल्याण को मेच कल्याणी, विलावल को शंकराभरण, भैरव को माया माल मालव गौड़, पूर्वी को कामवर्धिनी, मारवा को गमन प्रिया, काफी को खरर प्रिया, आसावरी को मुखारी, भैरवी को हनुमंत तोड़ी, तोड़ी को शुपंतोराली, खमाज को हरि काम भोजी, इस तरीके से है। और इसमें अलग अलग भी कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे कि आपको मैंने वो पढ़ा था तो वही मैं आपको मैं बता देता हूं। मैंने भूपाली, जैसे हम बोलते हैं ना, भूपाली था या बोलते दूसरा था कोई, भूपाली को तो हम मोहनम कहेंगे, भीम पलासी को आभेरी, बागेश्री को श्रीरंजनी, जय जयवंती को दिजवे जयंती, दुर्गा को शुद्ध सावेरी, सोनी को हंसानंदी, कल्याणी को शुद्ध कल्याण, नट या चाल नट को जोग, हाँ, सौराष्ट्र को भैरव। अब ये देखो, सौराष्ट्र को जो हम भैरव यहां कह रहे हैं, ये राग के अनुसार बोल रहे हैं। आप देखोगे कि
भैरव को माया मालव गॉड भी कहा जाता है, और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि भैरव को सौराष्ट्र भी कहते हैं। ठीक है, जब ठाट के लिए पूछा जाएगा तो माया मालव गॉड आप बोलोगे, और राग के अनुसार पूछा जाएगा तो आप उसे सौराष्ट्र बोलोगे। ठीक है, आप उसे क्या बोलोगे, तब उसे सौराष्ट्र में आप चिन्ह लगाओगे। हाँ, तो आप कोशिश करना यही करने की, क्योंकि ये होता है, मैंने काफी बार इसे देखा है। तो यही चीजें हैं, धानी इंडोलम का आपको पता ही है, और मोहनम को भूप या भूपाली भी कहते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें, अड़ाना को हंस हंस ध्वनि कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, द म्यूजिकल मॉडल्स ऑफ हिंदूज डैश के द्वारा लिखी गई है, जी एच रोनाल्डो, बी है आपका आर सी मेहता, सी है पी संबा मूर्ति, डी है सर जोन्स। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका डी, सर जॉन्स। द म्यूजिकल मॉड्स ऑफ हिंदू पुस्तक सर जॉन्स द्वारा लिखा गया है, साउथ इंडियन पीस सामावर्ती के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, ले प्रसन्न पोथी की रचना किसने की है, अबान ए मिर्स त्री, बी है पुरुषोत्तम दास, सी है पुंडरिक विठल, ये डी है कुदौ सिंह। आपको मैंने जो अभी बताया वो आप समझे ना, वो मुझे बताना। देखो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भैरव है, ठीक है, भैरव है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं ना माया मालव गौड, ठीक है, ये कहते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं ना, ये किसके अनुसार कह रहे हैं, ठाट के अनुसार कह रहे हैं कि, ठीक है, ये हम किसके अनुसार कह रहे हैं, ठाट के अनुसार कह रहे हैं। अगर भैरव पूछा जाएगा तो भैरव को एक चीज और कहा जाता है कर्नाटक में, वो तब कहा जाएगा जब उत्तरी एवं दक्षिणी पद्धति में समानता रखने वाले राग हों, है ना, जब समानता रखने की बात आएगी तो वहां पे आप सौराष्ट्र बोलोगे। ठीक है, वहां पे आप क्या बोलोगे, सौराष्ट्र बोलोगे, वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है तो इसलिए वहां बोलोगे सौराष्ट्र। ठीक है, वहां सौराष्ट्र आप बोलोगे, तो यही मुझे बताना था। तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 74 का, ले प्रश्न पोथी की रचना किसने की है, तो इसका सही आंसर होगा डी, कुदव सिंह ने। ले प्रश्न पोथी की रचना कुदव सिंह ने किया था, राम मंजरी पुंडरिक विठल की है, राम मंजरी, राग मंजरी किसकी है, तो पुंडरिक विठल की है। क्वेश्चन नंबर 75 ललन प्यास संबंधित है, ये आया था टीजीटी के पेपर में, ठीक है, यूपी टीजीटी के पेपर में ये आया था। ठीक है, ललन पिया संबंधित है ठुमरी से, तराने से, ध्रुपद से, एटप्पा से। मुझे इतना एग्जैक्ट तो याद नहीं है, टीजीटी या पीजीटी में आया था, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि टीजीटी में ये पूछा गया था, यूपी टीजीटी में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं नेट के क्वेश्चन पेपर से, टीजीटी पीजीटी में उठा लिए जाते हैं, जो आपके 10% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सीधे नेट से उठा लिए जाते हैं टीजीटी और पीजीटी में। देखो जो एग्जाम का होता है ना, एग्जाम का एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम के ना कोई भी एग्जाम जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, हाँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वो बहुत इजी पार्ट होता है, उसको जो थोड़ा बहुत जिसने स्कूलिंग की, स्कूल में म्यूजिक सब्जेक्ट पढ़ा, या जिसने विशारद की या प्रभाकर किया पढ़ते रहे, तो कोई मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया जिन्होंने, वो कोई भी करके आता है।
फर्स्ट पार्ट को कोई भी करके आता है ना? तो ये होता है आपका 50%, फिर ये आपका हो गया 30%, ये हो गया आपका 20%, ठीक है। उसके बाद जो 30% आता है आपका, वो आता है मिडिल लेवल का। इसमें जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अच्छा खासा जो पढ़ रहे होते हैं, उनका नाम आता है इसमें, सेकंड में। और जो थर्ड होता है ना, थर्ड ये होता है जो टाइम वेस्ट ज्यादा करता है। ये जो कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे 10 प्रश्न बच गए, उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, वो अलग ही से आ जाता है प्रश्न, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहां से आ गया प्रश्न, ये तो था ही नहीं सिलेबस में, कहां से आ गया। तो वो अलग ही से आ जाता है। जो तीसरा होता है वो इसलिए डाला जाता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, आप ज्यादा उसमें दिमाग लगाए, अपना टाइम वेस्ट कर लें, और उसकी वजह से आप और क्वेश्चन को ध्यान ना दे पाए। तो ये जो होता है ना, इसमें जो ज्यादा दिमाग लगा देता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। जो इसमें ज्यादा थर्ड पेपर में ज्यादा, बल्कि थर्ड पार्ट में ज्यादा दिमाग लगाता है, जो उसको नहीं आता उसमें ज्यादा दिमाग लगाता है, तो वो फेल हो जाता है। मेन जो आपका क्वालिफाई करवाएगा ये सेकेंड एग्जाम करवाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम ही हर पेपर को पास करवाता है। जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है उसमें तो 100% ऐसे ही सेम होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो उसमें कट ऑफ थोड़ा ज्यादा भी चला जाता है, लेकिन उसमें भी यही प्रोसेस है, तो ये आप याद रखना। तो हम यहाँ कहाँ पे थे, ललन पिया पे थे। ललन पिया संबंधित है ठुमरी से, तराने से, ध्रुपद से, टप्पा से। मैंने इसलिए पूछा, मैंने इसलिए ये सब चीजें मैं बीच में बता देता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से नहीं जाता वीडियो बनाना, उसी में मैं उसको इंक्लूड करके बता देता हूँ। देखिए इसका सही आंसर होगा ए, ठुमरी से, ठीक है। ललन पिया ठुमरी गायन से संबंधित है। ठुमरी, ठुमरी उपशास्त्रीय संगीत शैली है। पहले तो आप ये समझ गए कि ये ठुमरी गायक है। अब ठुमरी क्या है, ये उपशास्त्रीय संगीत है, जिसमें शब्दों के भाव को राग के स्वरों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। किस शब्दों के भाव को, जो शब्द के का जो भाव है उसमें राग के स्वरों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, समझ गए। यह पूर्व वे पंजाब अंग से गाई जाती है, दो अंगों से गाई जाती है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ठुमरी कितने अंगों से गाई जाती है, तो दो अंगों से गाई जाती है। कौन कौन से, पूर्व और पंजाब। बोल बनाव की ठुमरी दीपचंदी, बंदिश की ठुमरी तीन ताल, एक पंजाब अंग की ठुमरी पंजाबी, कहरवा, दादरा आदि में गाई जाती है, ठीक है। बोल बनाव की ठुमरी दीपचंदी, बंदिश की ठुमरी तीन साल, एक पंजाब अंग की ठुमरी कहरवा, दादरा आदि तालों में गाई जाती है, ठीक है। यहां पे इन्होंने टप्पे को भी थोड़ा मेंशन किया है, वो मैं बता देता हूं। टप्पा के लोकगीत से प्रभावित गायन शैली है, जो पंजाबी ताल में गाई जाती है, सबसे ज्यादा पंजाबी में गाई जाती है, ठीक है। इसमें मुरकी, खटका तथा द्रुत लय की छोटी छोटी तानों का प्रयोग किया जाता है। इसके जन्मदाता लखनऊवासी गुलाम रसूल के पुत्र मियां गुलाम नवी शौरी हैं, ठीक है, मियां गुलाम नवी शौरी हैं। तो कभी कभी इसे ना आप लिखा हुआ देखोगे गुलाम नवी लिखा से आ जाता है, हाँ, कभी सौरी साहब आ जाता है, हाँ, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ। तो अलग अलग तरीके से मियां गुलाम लिखा हुआ जाता है, तो ये आप पूरा याद रखना, मियां गुलाम नवी शौरी, ये पूरा आप याद रखना, ठीक है, जिससे आपकी गलती ना हो। तो ये थे हमारे जो कुछ प्रश्न थे, वो थे हमारे आज के। 75 तक हमने प्रश्न कर लिए, ये आप देख सकते हैं, 75 तक हमने प्रश्न कर लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, और 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है, जून का, ठीक है, और दिसंबर का, जून का सेकेंड और थर्ड पेपर और दिसंबर का सेकेंड और थर्ड पेपर, ये दोनों ही पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल पर जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम का
लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहां पे जाके आप क्लिक कीजिए लिंक पे, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का नाम मैं बता देता हूं, ऑल म्यूजिक एग्जाम, ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। अगर आपको सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हैं, ऑल डैश म्यूजिक डैश एग्जाम, ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर ही आ जाएगा, डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जितने भी प्राइवेट जॉब आती है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है, जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, जो जो जॉब्स आते हैं, सबके बारे में वहां पे बताते रहता हूँ। बाकी बहुत सारी लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है वहां पे उसके सोल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी आपको एक चीज जरूर करना है, चैनल को शेयर जरूर करें, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो जरूर शेयर करें, वरना लोगों के लिए करें जिन लोगों की और भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।